आज हम बनाएंगे मजेदार से हैश ब्राउन पोटैटोज और ये बहुत ही यमी बनके रेडी होंगे। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे जबकि बहुत ही यमी बनके रेडी होता है। अगर आप एक बार ये ट्राई कर लेंगे तो आप नगेट्स को भूल जाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो आलू। आलू का सीजन है तो आलू बिल्कुल फ्रेश है, ये नमकीन आलू है और इससे ये हैश ब्राउन्स बहुत ही यमी बनेंगे। ये जो आलू है, आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। इसका छिलका इतना बारीक है कि इसको उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटे छिलके वाले आलू का इस्तेमाल करें तो छिलका उतार लें। अब हम एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और इसमें सारे आलू ऐड कर लेंगे। आलू को ना हमें यहाँ पे पार बॉयल करना है, यानी कि पूरा बॉयल नहीं करना है, जस्ट हल्का कच्चा पक्का से रखना है। जब आलू तकरीबन 60-70% कुक हो जाएंगे तो हम आलू को निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद आलू को एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके बोल में निकाल लेंगे। ये जो रेसिपी है बहुत ही डिलिशियस बनती है जबकि बहुत ही आसानी से बन जाती है कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसका टेस्ट नगेट से भी अच्छा होता है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही इसमें 1 अंडा तोड़ के डाल देंगे। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से हमें हैश ब्राउन पैटी जो है वो बना लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने बना लिया यहाँ पे। अब हम एक पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, हैश ब्राउन पैटी को इस पे ऐड करेंगे और अब हमें इसको बाहर से क्रिस्पी होने तक अच्छे से पका लेना है। एक तरफ से जब ये अच्छे से पक जाएगा तो साइड चेंज करके दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इस तरह इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस से हैश ब्राउन्स, खाने में बहुत ही डिलिशियस होते हैं। इसमें जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको बना के फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और आसानी के साथ बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। नगेट्स से भी अच्छे बनते हैं, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। आप जरूर से रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।